चैनल, आई होप यू ऑल आर गुड। तो फिर अभी रात के 3 बज रहे हैं, ये पहला व्लॉग होगा जो मैं इतनी जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ, आई नो। तो फिर आज हमारे वेस्ट बंगाल जाने वाले हैं। मैंने इसके पहले जो व्लॉग छोड़ा था उसमें आपने देखा ही होगा, मैंने बोला था संदीप का व्लॉग, फ्लाइट है हमारी। तो फिर यहाँ से जो एयरपोर्ट है, मैं अभी आनंद में हूँ, आनंद से मैं अहमदाबाद जाऊँगी, वहाँ पे एयरपोर्ट है। तो यहाँ से 2 घंटे लगते हैं जाने के लिए, इसलिए बहुत जल्दी 9:30 बजे हमारी फ्लाइट है। उसके अभी रेडी होते होते 5 बज जाएंगे, फिर 2 घंटे लगेंगे हमको वहाँ पे जाने के लिए। फिर बोर्डिंग के लिए हमको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट में घुसना पड़ता है, इसलिए। तो फिर अभी मैं उठी हूँ बस, अभी जस्ट मैंने आज पूरी रात सोई नहीं हूँ, इसको उठूँगी कहाँ से, सोई नहीं हूँ। अभी 3 बज गए यार, हम लोग सोते ही 1-2 बज या फिर 3 बजे उठ भी गए, क्या ही फ़ायदा। अभी मैं जल्दी से जाके नहाऊँगी, ब्रश करूँगी, फिर हम लोग रेडी होंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट रेडी होने के बाद मिलती हूँ, और साथ में अपना फुल एयरपोर्ट लुक भी दिखाऊँगी। तो फिर चलो चलते रेडी होने। मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ, तो फिर चलो मैं आपको अपना फुल आउटफिट दिखाती हूँ। अभी हम लोग निकल चुके हैं, कमेंट में ज़रूर बताना मैं आज कैसी लगती हूँ। आई नो कि यार मैं इसके पहले पहन चुकी हूँ, तो मुझे एयरपोर्ट के लिए बेस्ट आइडिया लगा, कंफर्ट भी है अच्छा। तो फिर चलो एयरपोर्ट तक जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे, जैसे आनंद तो अहमदाबाद, क्योंकि आनंद में कोई एयरपोर्ट नहीं है उसके नज़दीक। तो फिर चलो चलते हैं। अभी यहाँ पे वेट 6 बजने को आए, 6:15 हुए हैं, वहाँ से 4 बजे के बाद निकला। अभी तक पूरे एयरपोर्ट पहुँचे नहीं है, अभी थोड़ी बाकी है। तो अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए, फिर चलो करते हैं। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बहुत ही मस्त लाइट लग रही है। तो फिर अभी सामान निकाले, तो अभी चलो अभी देखते हैं क्या करते हैं आगे। देखिए चलो यहाँ पे आके हमको थोड़ा सा भूख लग गया है, 8 बजने का आए हैं, क्योंकि तब हमने वहाँ पे 6 बजे नाश्ता किया था। अभी बहुत भूख लग, थोड़ा सा किया तो पोहा चाय पी, तभी हम लोग कुछ लेने जा रहे। तो फिर चलो क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पे हमने चिकन बर्गर लिया है, ये पेप्सी भी ली। अभी हमारा फ्लाइट का वक्त हो गया है, तो फिर okay, now we are entering in our plane. मराठी बोल सकते हैं, अब आपकी सुरक्षा से लेकर फर्स्ट एड तक आपकी देखभाल। कुलकर्णी फर्स्ट ऑफिसर नाजिश कालिन, लिन रायना, स्काई नूर, अमीना नाम की बादल, कैबिन क्रू स्पीक इंग्लिश।
इधर से हमारा सामान भी निकल रहा है। हम लोग यहाँ पे लगेज का वेट कर रहे हैं। तो वो हमारा ये हमारे आगे ना, और एक हमारा सूटकेस ये वाला। तो फिर अभी हम लोग ने लगेज भी ले लिया है, दो ट्रॉली हुई है। तो इसे वॉशरूम गई थी मैं, थोड़ा सा टचअप करने के लिए वॉशरूम करना था इसलिए। फिर अभी चलो मेरे कज़िन भाई लेने आए, तो फिर बाहर जाते हैं। फिर अभी गाड़ी भी आ गई है, तो फिर चलो अभी सामान भी अंदर डाल दूँ। आने के बाद अभी हम लोग एक होटल पे रुके खाना खाने के लिए। तो फिर चलो यहाँ पे क्या पूछता देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा होटल होता नहीं है। तो इधर नहीं, तो फिर चलो फ्राई राइस और चिकन करी। तो फिर अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, तो फिर चलो चलते हैं फिर से। अब डैडी घर जाएंगे, अगर बीच में कहीं पर रुकेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। तो फिर मैंने फ्राई राइस और फ्राई चिकन फ्राई राइस मंगाई थी, पर उसके साथ चिकन करी भी आई थी। मैंने थोड़ा सा खाया फिर छोड़ दिया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और मम्मी लोगों ने वो फिश राइस मंगाई थी, मीन्स की सारी सब्जियाँ थी और साथ में फ़िश थी, वैसे सभी ने खाया। मैं फ़िश नहीं खाती इसलिए। और चलो अभी चलते हैं। यहाँ पे क्या है, होटल्स अच्छे नहीं होते, यहाँ पे होटल मिलते नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। और ये होटल होते हैं तो छोटे मोटे होते हैं, और उनका खाना भी अच्छा नहीं होता। जैसे हमारे में कैसे अच्छा अच्छा होता है होटल्स, वैसे होटल्स इधर नहीं मिलेंगे। तो फिर चलो अभी चलते हैं घर। तो फिर अभी 6:55 हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 3 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचे थे। और फिर सो गए थे, नींद बिल्कुल भी नहीं आई, बिल्कुल भी नींद आई। 3 बजे सो के 5 बजे उठ भी गए थे, क्योंकि इतना गर्मी है इधर, बहुत गर्मी है, बिल्कुल भी नहीं रहा सारा। और यहाँ पे तो हम जहाँ पे रहते हैं, चलो मैं आपको हिंदी थी, मैं कह रही थी जो मेरा सिटी नहीं है, गुजरात के एक आइलैंड है जिसके चारों ओर पानी होता है और बीच में वो आइलैंड है। तो फिर गैस कर सकते हैं, मैं कह रही थी वो गुजरात में आता है आइलैंड, और वहाँ पे एकदम चारों ओर जो समुद्र होते हैं उसकी वजह से हमारे वहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा रहती है। पर यहाँ पे इतनी गर्मी, लिटरली बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। मेरे रूम में 2 फैन चल रहे हैं, लेकिन तो भी कुछ असर नहीं पड़ा। और इसके बीच में मैंने कुछ नहीं किया था इसलिए मैंने नहीं बनाया। अभी भी मैं शायद कुछ नहीं करूँगी, पर देखते अगर कुछ नहीं करूँगी तो व्लॉग डायरेक्ट एंड हो जाएगा, कुछ करूँगी तो दिखाऊँगी। तो चलो फिर आज के लिए बाय बाय। अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, तो फिर से न्यू ब्लॉग आ जाएगा, कल मैं कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगी। फिर बाय बाय।